शुरुआत में तो बहुत ज्यादा शर्म आती थी मुझे ये जो काम, जिस दिन पहले सूट में पहले व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट शूज और बढ़िया सजाते थे श्री माया में, और जब फर्स्ट डे मैंने ठेला का हैंडल पकड़ा था ना, ऐसी शर्म के हमारे गर्दन नीचे रहती थी जैसे कि किसी की तरफ देख नहीं पाता था मैं। फिर आपने सोचा कि यार मैं जो इससे शर्मा रहा हूँ क्या वो मुझे पेट भर के खाना दे सकता है क्या, मेरे को मेरी इच्छाएं पूरी कर सकता है क्या, नहीं ना वो सब मुझे ही करना। तो फिर मैंने शर्म वरम छोड़ी तो सबके सामने ले गया। फर्स्ट डे मेरी जो काउंटर की सेल थी ना, फर्स्ट डे मिस्टर एंड मिसेस इडली वाले सेल थी 1485 रुपए की सेल थी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आमची इंदौर चैनल में। और आज की जो स्टोरी है वो करण जी की है, जो कि पिपलियाना स्क्वायर पे दोस्तों मिस्टर एंड मिसेज इडली का स्टॉल लगाते हैं और साउथ इंडियन डिशेस खिला रहे हैं इंदौर वासियों को। और साथियों, हमारे करण भाई काफी मोटिवेशनल पर्सन रहे हैं, बनारस से आए थे और उन्होंने कई तरीके की नौकरियां करी हैं। भले इंदौर में आया और सीसीडी में काम करा, श्री माया में कैशियर का काम किया, फिर उसके बाद उन्हें समझ में आया कि मेरा जीवन शायद खाने के लिए हुआ है, और 2016 में सेहत से निकल गए। वहां मेहनत करने के बाद अब जाके अपना साउथ इंडियन का एक सेटअप चालू करा है। तो फटाफट से चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और करण भाई की स्टोरी उन्हीं के मुंह से जानते हैं। मेरा नाम करण यादव है, मैं मिस्टर एंड मिस इडली के नाम से एक स्टॉल लगाता हूँ पिपलियाना चौराहे पे, और वहीं पे शाम को 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक वहीं मैं काम करता हूँ। और मैं सन 2016 से जॉब छोड़ा था, तब से मैंने वहीं स्टार्ट किया है। लगभग 5-1 साल होने को आए हैं मेरे को, 2 साल ने लॉकडाउन ने बहुत परेशान किया है, अभी भी स्थिति सही नहीं है। ये वड़े की तैयारी चल रही है। हाँ जी, ये वड़ा है, इसको बनाने के लिए वो टेक्निक रहती है। इसको ऐसे राउंड राउंड किया, इसमें होल किया और यहाँ पे डाल दिया। बहुत बढ़िया। मैं एक्चुअली बनारस से हूँ, बेसिकली बनारस से यहाँ इंदौर आया था जॉब करने के लिए। तो मेरी सबसे पहली जॉब थी कैफे कॉफी डे सीसीडी, उसको छोड़ा 3 साल दिए थे मैंने सीसीडी को। बड़ा पक गया है अभी, एकदम गोल्डन ब्राउन, अरे एकदम क्रिस्पी हो जाता है, क्रिस्पी हो गया। हाँ, बहुत ही बढ़िया खुशबू ही अलग झाटक आ रही है। हाँ, और इसका निकाल देखते हैं। अब इसको छू के देखें, एकदम क्रंची है और एक गजब। अच्छा, ये भी आपने बनाई है क्या? हाँ जी, ये मैंने बनाई है, सेजवान की चटनी, एकदम दानेदार, बहुत बढ़िया। इसमें क्या क्या डलता है? इसमें डलता है लहसुन और रेड चिल्ली। अच्छा, कश्मीरी लाल मिर्च होती है ना। हाँ हाँ, उसका कमाल है, बहुत बढ़िया। 3 साल के बाद मैंने फिर श्री माया ज्वाइन किया। श्री माया में 3-4 साल श्री माया को भी दिया था। वहाँ से 2016 में सिंहस्थ आया था। सिंहस्थ में मैंने खुद का सोचा कि मुझे खुद का कुछ करना है, जिसकी वजह से मैंने जॉब छोड़ दी और सिंहस्थ में चला गया। ये चटनी के लिए तो, हाँ ये नारियल चटनी, मेन तो नारियल ही है इसमें। हाँ। तो चटनी डेली बनती है? डेली बनती है, एकदम ताज़ा। और सिंहस्थ में मैं इसलिए गया था कि मुझे खाना बनाने का बहुत शौक था, खाना में बहुत ज़्यादा बनाने में इंटरेस्ट रहता था मेरा अधगड़ी। और एज अ कैशियर मैं श्री माया में जॉब करता था, जो कि हरी मिर्ची, ये चने की दाल और हरी मिर्च ऐड करिए। अच्छा, ये चने की दाल, हरी मिर्च ऐड करिए, और ये अपना जो नारियल की चटनी। हाँ। अच्छा, अब उसको हम ब्लेंड कर देंगे। और उसके बाद श्री माया से और छोड़ के श्री माया को मैं सिंहस्थ गया। सिंहस्थ में मैंने 31,000 रुपये इधर से कर्ज लेके मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया। चाय बनाया था, पोहा बनाया और जूस, ये सब बना के बेचता था, जिसमें मुझे लगभग पूरे सिंहस्थ में 40-45 हज़ार रुपये प्रॉफिट हुआ, जो मेरी लागत थी उसके अलावा। तो मेरा दिमाग खुला कि यार ये मैं 5-7 घंटे 5-700 रुपये के लिए किसी को 10 घंटे अपना दे रहा हूँ, तो जो कि मैं ये 5-4 घंटे में भी उससे डबल ट्रिपल कमा लेता हूँ। फिर मेरा आइडिया है कि मैं खुद का कुछ करूँगा। ड्रमस्टिक सुनना, पर इस समय क्या है कि ठंड में आ नहीं रही मार्केट में। अच्छा। तो हम लोग भी इसमें डाल नहीं रहे हैं। अच्छा, कद्दू और ये कद्दू, लौकी, गाजर, ये सब, टमाटर, पूरा दाल वगैरह डालेंगे इसमें। ये तुअर दाल है। अच्छा, ये बॉईल कर लेते हैं। हाँ, ये हमने बॉईल कर रखा। अच्छा, और ये सांभर में हम डालेंगे। ये दाल डल गई इसमें सांभर में। ये इमली, इमली भी डलती है इसमें सांभर में। फिर एक मेरे उस्ताद जी थे जो मेरे पहचान के थे, कुछ मित्रता हो गई थी उनसे अच्छी,
जिसके कारण उन्होंने उनसे कहा कि मुझे खुद का कुछ करना है गुरुजी। उन्होंने बोला ठीक है, बताओ क्या करोगे, वो चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा। तो 30 लीटर के लिए इतना सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। अच्छा, एक डेली हल्की सी मिठास आएगी। हाँ, हल्की सी मिठास आएगी। मतलब उन्होंने मेरे को, मैंने बोला मैं आपको बताता हूँ सर्वे करके जरा कि हमारे एरिए में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो हमने इधर सर्वे किया पिपलियाना की तरफ, तो इधर डोसा नहीं था, चाइनीज था, बाकी बहुत सारी चीज़ें थी पर डोसा नहीं था, डोसा और इडली नहीं था। तो हमने इडली का स्टार्ट किया कि इडली और डोसा बेचेंगे। तो फाइनली गुरुजी ने मुझे डोसा और इडली, वड़ा, साउथ की जो भी चीज़ें हैं मुझे उन्होंने लगभग बता दी थी। और स्टार्टिंग में तो मेरे बहुत हाथ कांपते थे, बन नहीं तब पाता था, फिर धीरे 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 अब तो एक्सपर्ट हो गए हैं, हर एक चीज़ बना लेते हैं प्रॉपर तरीके से। तो शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा शर्म आती थी मुझे, ये जो काम जिस दिन पहले सूट में पहले वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, शूज़ और बढ़िया से जाते थे श्री माया में, और जब फर्स्ट डे मैंने ठेला का हैंडल पकड़ा था ना, ऐसी शर्म के मारे गर्दन नीचे रहती थी जैसे कि किसी की तरफ देख नहीं पाता था मैं। तो फिर हमने आपने सोचा कि यार मैं जो इससे शर्मा रहा हूँ क्या वो मुझे पेट भर के खाना दे सकता है क्या, मेरे को मेरी इच्छाएँ पूरी कर सकता है क्या, नहीं ना, वो सब मुझे ही करना। तो फिर मैंने शर्म वरम छोड़ी, सबके सामने ले गया। फर्स्ट डे मेरी जो श्री माया अपने काउंटर की सेल थी ना फर्स्ट डे मिस्टर मिसेज इडली वाले, 1495 रुपये की सेल थी, 1485 रुपये की सेल थी पहले दिन की सेल। और वो 4 घंटे में मुझे वो 1485 रुपये इतना अच्छा लगा कि मैं यार वाह यार, थोड़ी शेजवान चटनी लगा देना, स्पाइसी कर, ठीक है सर, मैं ये 4 घंटे में 1400 रुपये कमा रहा था और 10 घंटे देता था मैं किसी और को तो सिर्फ 500 रुपये के, 700 रुपये के लिए। तो फिर फाइनली बहुत अच्छे से उसमें हर एक चीज़ सीखा, 6-7 महीने 8 महीने लगे मेरे को, अब तो कंटिन्यू करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और एक और चीज़, मैं यहाँ अकेले रहता हूँ, मेरे मम्मी पापा और भाई बहन बंधु सब गांव में रहते हैं, गांव है मेरा बनारस। बनारस एक बहुत अच्छी जगह है, मिस्टर इडली से मिस्टर एंड मिसेस इडली वाले कर दिए हमने, तो वो जाके सेटिस्फाइड हुआ। कल कॉपीराइट का बड़ा हो रहा है मिस्टर इडली का सर। बनारस से थोड़ा सा 12-13 किलोमीटर दूर एक गांव है बाबतपुर, बस वहीं का हूँ मैं। तो उसके बाद से मम्मी पापा वहीं रहते हैं, मैं अकेला रहता हूँ यहाँ पे, सब कुछ करता रहता हूँ सारा। तो स्टार्टिंग में जब मैंने जॉब छोड़ा था ना, मेरे पापा इसके खिलाफ थे, बोले नहीं अच्छी खासी जॉब है, आप छोड़ क्यों रहे हो। मतलब नहीं पापा, मुझे खुद का करना है। तो एटलीस्ट यहाँ तक इवन मैंने पापा से भी एक पैसा नहीं लिए ये करने के लिए, मैंने खुद अपनी बाइक थी उसको बेचा, उसको बेचा, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। अब मेरे घर में सब लोग को पता कि मैं जॉब कर रहा था, एक साल तक तो यूं ही लग रहा था सबको मैंने झूठ बोल के ये काम स्टार्ट किया था। और अब उसके बाद तो फिर मम्मी पापा हैं, उनकी सबकी सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई हैं। पापा अभी अमूल बटर यूज़ करते हैं इस घर, अभी घर पे रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट हो गया था उनका, इसकी वजह से कुछ कर नहीं पाते। तो मैं हूँ, सारे घर का जिम्मेदारी जो है मेरे ऊपर है, तो मैं यहाँ सुबह से लेकर शाम तक 11 बजे रात तक पूरी मेहनत करते रहता हूँ अपने अच्छे से, जो भी आता है माँ बाप को भेजता हूँ, अपने लिए रखता हूँ हर एक चीज़। भैया मैं तो रेगुलर कस्टमर हूँ, क्या बात है, तो मुझे तो टेस्ट इनका याद रहता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि भैया को जैसा कस्टमाइजेशन बोलो जी वैसा भैया कर देते हैं। अच्छा, और ऐसा नहीं कि यार छोटे छोटे चीज़ पे दिक्कत है, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, आपको जिस तरह का पसंद है, स्पाइसी पसंद है, कम स्पाइसी पसंद है, ज़्यादा वो मिल जाता है। और सांभर का टेस्ट कैसा लगा? सांभर का टेस्ट थोड़ा सा, इनका सांभर थोड़ा सा स्पाइसी साइड रहता है जो मुझे पसंद है। अच्छा, अब मैंने और भी जगह, मैं तो अच्छे अच्छे से भोपाल में मनोहर डेयरी, जैसे मैं भोपाल में रहता हूँ कई बार, तो वहाँ पे बड़े रेस्टोरेंट में थोड़ा ब्लैंड सांभर मिलता है, यहाँ पे अगर किसी को स्पाइसी और मतलब टैंगी टेस्ट पसंद है तो ये सांभर बेस्ट है। थैंक यू सर, थैंक यू। ये वाला क्या, चीज़ डोसा? ये चीज़ मसाला डोसा। और अभी इस समय इतना अच्छा स्थिति नहीं है हमारी, जिसकी वजह से हमें 2 टाइम 2 शिफ्ट करना पड़ रहा है। मेरे को तो बढ़िया लगा, मतलब उनकी प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत अच्छा है। अच्छा, मतलब थोड़ा यूनिक। मैंने मम्मी को, मैंने मम्मी को भी खिलाया तो उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम अंबिका में जाते हैं तो वो मतलब इनकी डबल या ट्रिपल रेट में रहते हैं, इनसे भी मतलब टेस्ट इनका ज़्यादा अच्छा होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। मैम कैसा लगा? बहुत टेस्टी है। टेस्टी है मैम। रेगुलर आप खाते रहते हैं?
हमारा ऑफिस सामने ही है अच्छा। हब सेल जी, तो वहाँ से रेगुलरली आते हैं, हमें पसंद है। क्या मतलब यूनिक टेस्ट है थोड़ा? हाँ, पॉकेट फ्रेंडली, टेस्टी, हाइजीनिक, सबसे इम्पोर्टेंट भैया साफ सफाई का ध्यान देते हैं जी। अच्छी टेस्टी चीज़ है। थैंक यू, थैंक यू। शाम को लगाते ही थे पहले, अभी हम दोनों शिफ्ट में करते हैं, मॉर्निंग में लेक करते हैं, शाम को भी करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है हमारी। हमें मतलब सोते 5 घंटा बस सोता हूँ मैं, सोने का भी टाइम नहीं मिलता ठीक से हमारा, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा है। मतलब प्लेन ओनियन डोसा है ये? हाँ जी, है ना, इसमें मसाला नहीं डलेगा। अच्छा, ये कितने का देते हैं? और ये 40 रुपीज़ का। अच्छा, जिसकी वजह से मैं मेहनत 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 बस मेहनत कर रहा हूँ। सुबह का शेड्यूल हमारा ऐसा रहता है कि अर्ली मॉर्निंग उठना, तो सबसे पहले जो रात को गलाया हुआ चावल और उड़द दाल की रहती है डोसे के लिए और वड़े के लिए, इडली के लिए। अच्छा है सर, बिल्कुल रेगुलर खाते रहते हैं मतलब? बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। ये कौन सा बना रहे हैं अपन? और मैम के लिए मैं चीज़ पनीर मिक्स डोसा बना रहा हूँ। चीज़ पनीर बहुत बढ़िया जाती है। उनको अर्ली मॉर्निंग उठ के पीसना, उसके बाद वो शाम तक तैयार होता है उसका बेटर, डेली का ऐसा रूटीन है। फिर उसको बनाते हैं घर पर, इडली बनाते हैं और वड़ा घर पे ही बना के फिर वहाँ स्टॉल तक ले जाते हैं, वहाँ सेल करते हैं फिर। और डोसे का बेटर है वो वहीं ले जाते हैं, तो डोसा लाइव वहीं बनाते हैं। इसमें क्या अपना सांभर मसाला अलग से डलता है क्या? नहीं, के गरम मसाला एक्चुअली गन पाउडर होता है। अच्छा, गन पाउडर है। बाकी इडली और वड़ा है यहाँ से बना के तैयार करके ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास इतनी स्पेस है नहीं काम करने की। पहले स्टार्टिंग में स्टॉल पे हमारे सिर्फ इडली और डोसा मिलता था और वड़ा मुझे आता नहीं था बनाने, तो और धीरे धीरे वड़ा भी बनाना सीखा। फिर प्लेन डोसे के बाद मसाला डोसा, चीज़ डोसा, पनीर डोसा, सेजवान डोसा, यहाँ के इवन पेपर डोसा भी बड़ा साइज का आता वो भी बनाने लग गया हूँ, और स्प्रिंग डोसा भी बनाने लग गया हूँ, और अब जीनी डोसा भी मिल जाएगा हमारे यहाँ आपको, वो भी बना देता हूँ अच्छे से। उसके बाद फ्राइड इडली, इडली को अभी नॉर्मली खाया होगा आपने, हमारे यहाँ फ्राइड इडली भी मिलता है। कैसा लगा सर आपको टेस्ट? अरे बहुत बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास। इनका साउथ इंडियन बहुत अच्छा है, स्पेशली इडली एंड डोसा। क्या बात, वेरी नाइस टेस्ट। थैंक यू, बहुत हाइजीन भी है और टेस्ट भी अच्छा है। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या वो करना है? फ्राइड इडली, हाँ, इसमें राई डाला, तेल डाला, करी पत्ते डाले, फिर हमने प्याज डाल दिया, टमाटर डाल दिए, और हम जो इतना बनाते हैं तो पब्लिक अगर एक बार हमारे पास आती है तो सांभर की तारीफ करके जाती है, और एक बार पब्लिक आ जाती है तो डोसा खाए तो उस तो पागल हो जाते हैं, बोलते हैं भैया आप बहुत अच्छा बनाते हो डोसा। और हमारे पास कस्टमर वो कंटिन्यू आने लग जाता है, तीसरे दिन दूसरे दिन, तीसरे दिन दूसरे दिन, ऐसे इवन दूसरे को भी माउथ पब्लिसिटी करने के लिए दूसरे को भी बताता अपनी फैमिली में या आस पड़ोस पड़ोसियों को कि भैया वहाँ पर जाओ बेहतर डोसा मिलेगा आप बाकी जगहों से और कम पैसे में। हमारे यहाँ नॉर्मल 30 रुपये से स्टार्ट है प्लेन डोसा, और हाईएस्ट है 80 रुपीज़ का, जो उसमें आपको पनीर सेजवान डोसा मिल जाएगा, पनीर डोसा मिल जाएगा। और फिर जब पब्लिक मुझे जैसा भी फीडबैक देती है, अच्छा पॉजिटिव फीडबैक देती है, तो मैं उस पर और काम करता हूँ, उसको और बेहतर बना के उनको देता हूँ, ताकि वो मेरे यहाँ से कहीं दूसरे कस्टमर दूसरी दुकान पर ना जाएँ। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि कस्टमर मेरे पास से सेटिस्फेक्शन से जाए अच्छे से। दोस्तों इसका एड्रेस मैं आपको समझा देता हूँ, ये देखिए ये पीछे पिपलियाना स्क्वायर है, ये इसकी नंबर 40, गेट नंबर ये 2 है, ये देखिए ये पीछे गेट नंबर 2, और ये JMB स्वीट्स है, ये JMB स्वीट्स के ठीक पीछे भैया का मिस्टर एंड मिसेस इडली नाम से डोसे का सेटअप दिख जाएगा आपको। कोई बात नहीं भाजी, एक मसाला।
और आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप एक बार पिपलियाना जैन मिठाई भंडार के सामने मिस्टर एंड मिसेस इडली वाले का एक स्टॉल है जो हमारा है, आप वहाँ पे एक बार आइएगा, हमें सेवा का मौका जरूर दें। पैकिंग भी हो जाता है, पार्सल भी जाता है मतलब। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारे पास आ गया सेजवान, सेजवान डोसा है ना ये? सेजवान डोसा हाँ। और ये प्लेन भी देते हैं 30 रुपीस में, और मसाला डोसा है इनका 50 रुपीस में, सेजवान वाला ये 70 रुपीस में। तो काफ़ी बढ़िया बता रहे थे लोग, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं। और करण भाई बढ़िया अभी मेहनत कर रहे हैं अभी, और अच्छा सेटअप चालू करा है उनने। त्यारा को स्पाइसी लग गया है? नहीं नहीं लगा, अच्छा लगा आपको? तब नहीं खाने का, ठीक है। बट काफ़ी लोग मतलब कि सेजवान का लगी टेस्ट आया और सब पसंद आ रहा है लोगों को, और है ना भैया इतनी मेहनत से जो बना रहे हैं खिला रहे हैं वो काफी अच्छा है। मेन उनने सीखा और मैंने लगा उनने सोचा कि यार चलो ये साउथ इंडियन चालू करते हैं, पिपलियाना पे था नहीं, और काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है उन्हें तो, और मतलब कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करते ही जा रहे हैं। और ये मेरे को काफी यूनिक लगा उनका ये फ्राइड इडली जो कि कहीं नहीं मिलता है। ये खाओ बाबू, मसाला इडली है क्या? फ्राइड इडली मसाला। अच्छा, तो इसमें बढ़िया कड़ी पत्ते वगैरह का तड़का है। ये बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, डोसे से वैसे ज्यादा अच्छा मुझे ये लगा, ये काफी अच्छा है। तो ये यूनिक आइटम है साथियों, आप लोग भी ट्राई करिएगा, अपने फैमिली वगैरह के साथ जाइएगा। ये पिपलियाना स्क्वायर पे गेट नंबर 2 पे जेएमबी स्वीट्स के ठीक सामने है। इसकी एड्रेस और जीपीएस लोकेशन भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो प्लीज विजिट करें। और ऐसी कुछ ना कुछ नए कंटेंट हम लोगों को सजेस्ट करते रहें ताकि हम लोग मोटिवेशनल स्टोरी बना सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आमचंद और के अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।